हेलो फ्रेंड्स, यह लेसन नंबर 17 प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज और इसमें हम सीखेंगे टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो टर्नरी ऑपरेटर यानी कि जो ऑपरेटर तीन वैल्यू लेता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसे बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है ना मैंने, इट विल टेक 3 आर्ग्यूमेंट टू परफॉर्म ऑपरेशन, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। इट विल रन द एक्सप्रेशन आउट ऑफ 2 एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन कंडीशन। ओके, एक्सप्रेशन यानी कि आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख सकते हो, वहाँ पर कोई कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ओके, तो एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी, और वो कंडीशन के बेस पर एक्सप्रेशन रन करेगा। ये सिंटेक्स है उसकी। ये देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, कंडीशन। तो यहाँ पर कोई कंडीशन रहेगी, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 रन होगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 2 जो है वो रन होगा। ओके, और कंडीशन उसके बाद क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन मार्क सिंबल, यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 देन कॉलन, एक्सप्रेशन 2 देन सेमी कॉलन। ओके, इफ कंडीशन ट्रू एक्सप्रेशन 1 विल एग्जीक्यूटेड, एंड इफ कंडीशन फॉल्स एक्सप्रेशन 2 विल एग्जीक्यूटेड। ओके, तो ये है उसकी सिंटैक्स। ये सिंपल सा एग्जांपल है। ये देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू हमने 5 ली है। ओके, अब ये कंडीशन रखी यहाँ पर, ए लेस देन बी, यानी कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि 10 इज नॉट लेस देन 5, तो कंडीशन क्या होगी, रॉन्ग हो जाएगी। यदि कंडीशन रॉन्ग होती है तो क्या डिस्प्ले होगा, वर्ल्ड डिस्प्ले होगा। ओके, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हेलो डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से ये टर्नरी ऑपरेटर काम करेगा। इसके अंदर हमने 3 आर्ग्यूमेंट दिए। ओके, नंबर 1 आर्ग्यूमेंट कंडीशन, नंबर 2 आर्ग्यूमेंट ये एक्सप्रेशन 1, और नंबर 3 आर्ग्यूमेंट एक्सप्रेशन 2। ये देखिए, यहाँ पर 1, 2 एंड 3 तीन चीज़ें हमें इसके अंदर रखनी होती है, इसलिए इसे बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर। 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। ओके, तो टर्नरी ऑपरेटर विल टेक 3 आर्ग्यूमेंट एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन। ओके, सिंटेक्स आप याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क कॉलन, ओके, कंडीशन एक्सप्रेशन 1 एंड 2। तो चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं इसके। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर वेरिएबल ए की वैल्यू 10 ली है, वेरिएबल बी की वैल्यू 20, ए लेस देन बी कंडीशन। ओके, तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू है तो क्या डिस्प्ले होगा, हेलो डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर। मैं रन करता हूँ, ये देखिए हेलो। यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है, ओके, मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज करता हूँ, ए ग्रेटर देन बी, ओके, तो 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20, तो क्या डिस्प्ले होगा, वर्ल्ड डिस्प्ले होगा। ये देखिए वर्ल्ड। ओके, और प्रिंटएफ की जगह पर आप कोई एक्सप्रेशन भी रख सकते हो। ओके, ये देखिए, मैं प्रिंटएफ हटा देता हूँ यहाँ से और एक वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर आंसर। मुझे क्या करना है कि यदि ए की वैल्यू बी से कम है तो दोनों का एडिशन होना चाहिए। ओके, यानी कि ए प्लस बी होना चाहिए, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो ए माइनस बी होना चाहिए। ओके, तो मैं इस तरीके से कोड लिखता हूँ और आंसर इक्वल टू मैं करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, यह कंडीशन चेक होगी पहले। ओके, कंडीशन ट्रू है यहाँ पर तो एडिशन होगा, और आंसर किस में आएगा, आंसर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब मैं आंसर को डिस्प्ले करवाता हूँ इधर। ओके, आंसर इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा आंसर। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए आंसर इक्वल टू 30 आया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँगा, स्लैश एन
यहाँ पर लिखना पड़ता है हर एक बार। देखिए आंसर इक्वल टू 30, ओके, एडिशन परफॉर्म हो गया। यदि एक कंडीशन गलत है, यानी कि मैं ग्रेटर देन करता हूँ, ओके, तो क्या होगा, ए माइनस बी परफॉर्म होगा, ठीक है। ये देखिए आंसर -10, ओके। तो इस तरीके से आप डिस्प्ले करवा सकते हो बेस्ड ऑन कंडीशन, ठीक है। और प्रिंटएफ भी यहाँ पर रख सकते हो, यदि आपको कोई डायरेक्ट प्रिंट करना है वैल्यू, तो भी आप कर सकते हो, ओके। प्रिंटएफ ए प्लस बी डायरेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो। ये देखिए मैं वो करके दिखाता हूँ अभी। प्रिंटएफ यहाँ पर मुझे नहीं लिखना है, ओके, पर यहाँ पर लिखना है प्रिंटएफ, ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं एडिशन इक्वल टू परसेंटेज डी, ओके, कोमा करके ए प्लस बी लिखा मैंने, और यहाँ पर क्या लिखूँगा, ए माइनस बी, ओके। तो प्रिंटएफ सब्ट्रैक्शन इक्वल टू परसेंटेज डी एंड ए माइनस बी। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो सब्ट्रैक्शन -10 आंसर आएगा, ओके, स्लैश एन, यहाँ पर भी मैं स्लैश एन लूँगा, ठीक है। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है, ओके, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट रन होगा प्रिंटएफ, ओके, और ए प्लस बी डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशन पूरे का पूरा यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हो बेस्ड ऑन कंडीशन एक ही लाइन के अंदर। और ये जो टर्नरी ऑपरेटर है वो इफ एल्स का शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। यदि आपको इफ एल्स नहीं लिखना है तो सिंपल आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, ओके। ये आंसर आ गया एडिशन इक्वल टू 30, ओके। तो इस लेसन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।